वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का इतिहास लैके आप सिख संगत के सन्मुख हाजिर होया हाँ। अज 11 दसंबर यह दिन सिख धर्म के अपनी एक बहादरी के नाल जुड़िया होया। जदों महाराका का इलाका जो कि अजोके पाकिस्तान दे विच सरदार करम सिंह जो कि रिश्ते दे विच बाबा दीप सिंह जी दे पोतरे लग रहे सन, इन्हां गुरमुखां दे हाथ आया तां जिथे फिर सिखां सरदारां दी सल्तनत हुंदी सी उत्थे दो गल्लां वेखण नूं नहीं मिलदियां सन। एक चोरी डाके, दूसरा धियां भैणां दी इज्जत नूं कोई माई दा लाल हाथ नहीं पा सकदा सी। जदों सरदार करम सिंह दे कोल ताकत आई तां उन्हां ने सब तो पहला ननौता जिहड़ा कि मुसलमानां दे अधीन सी उत्थों दे नवाब नूं हरा के इत्थों भजा दित्ता। ननौते दे रहण वाले लोकां ने ही इत्थों दस्सिया कि जलालाबाद दे इलाके दा रहण वाला सजद हसन खान जो कि लोकां दीआं धीआं भैणां दी बहुत इज्जत दी बेपत्ती करदा आ, बहुतात हिंदू लोक उन तों प्रभावित ने, दुखी ने, परंतु जिहड़े गरीब मुसलमान ने उन्हां नाल भी वह लगभग उवें दा ही हशर करदा आ। जदों ये खबर पता लगी तां कुछ क दिनां दे बाद एक ब्राह्मण फरियादी हो के आया कि जदों मेरी धी दे फेरे हो रहे सन, फेरे होण वेले ही मेरी व्यवता धी नूं सजद हसन खान चक के अपने घर लै के आया। तो सरदार करम सिंह ने अगों एक गल कही, कहन लगे पंडित जी सिर्फ दान लैण तक ही सीमित हो कि तलवार भी चलाउणी आउंदी है? उन्हें सिर झुकाया कि सानू तो यही कुछ आउंदा आ, इदू अगे सानू पढ़न लिखन तो बाद कुछ नहीं होंदा। सरदार करम सिंह जी कहन लगे कोई गल नहीं। सरदार करम सिंह ने अज दे दिन 11 दसंबर 1773 जलालाबाद के उपर हमला किया। सजद हसन खान नूं गिरफ़्तार करके जदों उन्दे इन्हां कर्मां बारे उत्थों दे वसनीकां नूं पुछया, जिहड़े लोग उन्हां दे हमैती बनदे सन कि हसन खान बहुत वधिया बंदा है, बहुत वधिया बंदा, सारयां नूं एक पासे करके ज्यौंदयां नूं अग ला के साड़ के रख दिता। कहन लगे तुहाडे वर्गे बंदे ही समाज लई बहुत घातक हुंदे ने, गल हिंदुआं या मुसलमानां दी नहीं, गल ये है कि जो बंदा कुदरत नाल खिलवाड़ करदा, करते दी बनाई कुदरत नाल खिलवाड़ करदा, उहदे बंदिआं दे नाल नफरत करदा, वह सिखां नूं कदे भी परवाह नहीं। इन्हां सारयां नूं ज्यौंदयां नूं अग ला के जदों साड़िया तो सजद हसन खान दे रंग भंग उड गए। गुरु के सिखां ने उहनूं टोटे टोटे करके मारिया तां जो तेरियां आउण वालियां पुश्तां याद रखण कि सिखां दे नाल पंगा लैण तों पहलां 100 वारी सोचना है। जदों उस ब्राह्मणा की बेटी नूं वापस उनके पिता के घर लैके आंदा तो उनका सहुरा परिवार भी उत्थे सी, उन्होंने ये कह के ना कर दिती कि साड़ी धी तकरीबन 4-5 दिन उस पापी मुसलमाना दे घरे रह के आई है तो असी हुण इहनूं परवान नहीं करते, इहनूं सिख ही रखण। सरदार करम सिंह एक पासे तो उन्हां तों बड़े रोह दे विच आए सन, गुस्से दे विच आए सन कि यह हिंदू बच्चियां की बेपत्ती करदा आ, दूसरे पासे इन्हां दीआं बणाईआं वह धार्मिक रीतां जिहड़ियां बंदे नूं बंदा नहीं समझदियां उन्हां दे खिलाफ उठदियां। सरदार करम सिंह ने उस वेले सिखां नूं हुक्म किया कि लंगर बनाओ, जिन्हें इलाके दे विच ब्राह्मण ने सारयां नूं सद के लैके आओ कि ब्राह्मण भोज आ, सारे ब्राह्मणा नूं सद के लैके आंदा, चेतावनी दित्ती भी यह लंगर उस बच्ची ने बनाया जिहड़ी मुसलमाना दे घरे 4 दिन रह के आई है, जिहड़ा कहिंदा सी कि मैं लंगर नहीं छकना उस ब्राह्मण नूं फांसी ला के मार दिया, ता जो तुहाडे वर्गे बंदे भी समाज का बहुत वड्डा नुकसान करते हैं। बाद विच पता लगा कि इत्थों दा ही एक ब्राह्मणा दे विचों रहण वाला मुसलमाना दा खासम खास बंदा जिहड़ा अपने ही शरीके कबीले दियां अपने ही इलाके दे लोकां दियां सोहणियां बेटियां दी जानकारी सजद हसन खान नूं दिंदा सी। सैणे ने कहा ताड़ी एक हथ नाल नहीं वजदी, दोवें हथां नाल वजदी है, वह एक पासों ताड़ी वजाउण वाला ये सी। जदों इहनूं लभिया गया तां इहनूं वी गुरु के सिखां ने फांसी ला के तड़पा तड़पा के मारिया, इहदे वी शरीर दे टोटे टोटे करके सारे इलाके दे विच तख्तियां पा के टंग दित्ते तां जो कल नूं कोई भी बंदा एवें दा काम करन तों पहलां 100 वारी सोचे कि सिखां दे जे राज विच रहिणा आ तां किवें रहिणा आ। जिहड़े लोक अज ये गल कहिंदे ने ना कि सानूं सिखां तों डर लगदा आ, जरूर एक बार सिखां दे इतिहास वल झात मार के वेख्या जे सच्ची गल है, तुहाडी जिंदगी विच डरन दी चीज़ कोई नहीं रहेगी। जे तुसीं करते नूं, कादर नूं, कुदरत नूं समझ के चलोगे, सामने रख के चलोगे
ते जे उन्दे निजमां तो बागी हो गए ते जो कुछ ये हशर मैं उपरली घटना दे विच सुनाया इंदे वास्ते तैयार रहा जी। फुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।